ब्लू टिक के लिए $8 की मेंबरशिप के इलॉन मस्क के फॉर्मूले का विरोध होने के बाद से उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है। इसके तहत अब कुछ चुनिंदा लोगों के अकाउंट्स पर ऑफिशियल का लेबल दिया जाएगा। पहले से वेरीफाइड सभी खातों को ऑफिशियल लेबल नहीं मिलेगा और लेबल खरीद के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। ये लेबल सरकारी खाते, कमर्शियल कंपनियां, व्यावसायिक भागीदार, प्रमुख मीडिया आउटलेट्स, पब्लिशर्स और कुछ पब्लिक फिगर्स को दिए जाएंगे। ट्विटर पर पहले से लगभग 4,23,000 वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। उनमें से कई सेलिब्रिटीज, कंपनीज और पॉलिटिशियंस के और मीडिया आउटलेट्स के संबंधित हैं।